फोर्टी फोर तक हम पहुँचे थे इस क्वेश्चन में बोला है ऑफ़ डेमोक्रेसी करेक्ट स्टेटमेंट नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस ये भी ट्रूथ uh, है तो जनरली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसमें लिखा है कि इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पोलिटिकल पार्टीज प्लेज Uh, political parties play an important role in the formation of government. they bring people together to achieve control of the government, develop policies in favor and in an interest of the people. so it is said that political parties are the lifeblood of democracy. it is also true that people usually blame political party for the bad governance. next, mayfair, assertion and reasoning here. that the nature of po indian political system embodies the element of continuity and change. Yeh correct. Hai.

the specific elements such exist in tangible form, although the continuous and changing Indian political system and various ages and period contains element of modern style, traditional style and same style, saint style. तो so, ये तो हमने ऊपर भी हमने भी सेम चीज़ें बताई है. Next है, federalism is not practical in India. India is not a federal state. तो so, देखिए जब भी इनमें से कोई भी एक statement अगर गलत हो जाता है तो फिर right answer आ जाता है. तो इसमें ए इज़ नॉट द ए फेडरलिज्म फेडरलिज्म इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म की बात कर रहा है वो एग्जैक्ट मतलब जो कंप्लीट फेडरलिज्म है ना जैसे कि यूएसए वाला उसकी बात कर रहा है इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट इनफैक्ट इंडिया इज़ द फेडरल स्टेट तो आर इज़ फॉल्स है तो आर फॉल्स होगा तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन

Uh, इसके बाद है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फेडरल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डिज़ाइन वॉज टू वीव अ नेशन आउट ऑफ इट्स मैनी डाइवर्स पार्ट एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये तो करेक्ट है अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज हैज़ बिल्ट अ स्ट्रोंगर नॉट वीकर इंडियन नेशनल हुड ये भी करेक्ट है वन ऑफ़ द क्लासिक एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट का है जो लिंग्विस्टिक स्टेट हमने बनाया था ना स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के थ्रू दैट शोज़ कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने से हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना कि वीक होता है जो कि पर्सनल जो कि काफ़ी पॉपुलर पर्सपेक्टिव था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ज़्यादा कंट्री को डिवाइड करेंगे ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है हालांकि वैसा हुआ नहीं नेक्स्ट uh, है क्वेश्चन के ही स्टेटमेंट को यहाँ पे पूरा रिपीट कर दिया है जो भी आर्टिकल वन में लिखा है उसके कंटेक्सट में नेक्स्ट है विमेन एंड दल दलित्स पुअर एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ये तो बिल्कुल करेक्ट है एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ एमर्ज एज अ कैरियर फॉर द डिज़ायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इसलिए जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉ um, um, करने के लिए ये सारे माइनॉरिटीज़ के राइट right को प्रोटेक्ट करता है एंड इससे बेसिकली क्या होता है इससे सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एमर्ज होते हैं एज अ कैरियर फॉर डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल राइट्स एंड इनक्रीजेज द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ पुअर वूमेन दलित माइनॉरिटी ग्रुप सो they are the biggest stakeholder of democracy in India. The reason uh, for the Indian Constitution being the bulkiest one, वन तो ये तो सारे बाकी ke uh, के एक्सपेरियंस uh, को incorporate किया है which is अ correct one. इसके बाद में इट कंटेन द डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन ये भी कंप्लीट है इसलिए यहाँ पे स्टार मार्किंग की गई है बिकॉज इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आपको रीजन मिल जाएगा सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड नो सिंगल रीज़न फॉर द बल्किस्ट वन जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम लार्जर ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीज़न की अलग अलग एक्सपीरियंस लिया है एडमिन प्रोविजन है साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री है इसके साथ में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का प्रोविजन दिया हुआ है इंडिया इज़ अ क्वाजाइव फेडरल विच इज़ करेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीर फेडरल नॉर यूनिट्री ये दोनों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बाद में द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू द टू रीजन क्योंकि लार्ज कंट्री थी साथ साथ में डाइवर्सिटी थी विच इज सोशो एंड कल्चरल दोनों डाइवर्सिटी थी सो so, अनअनोनमसली इनका व्यू था कि कॉन्स्टिट्यूशन uh, जो होगा उसका नेचर क्या होगा फिर ग्रैंडविल ऑस्टिन ने ये बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और के सी वेयर ने इसको क्या बोला था कि ये क्वाजाय फेडरल है इन वर्ड्स ऑफ डी डी बासू कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेक्स्ट है इंडियन फेडरलिज्म कॉल्ड क्वाजाई फेडरल इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट इंडिविजुअली है तो so, कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजाई फेडरल बोला गया है इसका मतलब ये है कि जनरली फेडरल सिस्टम है बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनेबल करता है कि Um, अगर वो चाहे तो ड्यूरिंग सर्टेन सर्कमस्टांसिस में फेडरलिज्म कन्वर्ट हो जाए यूनिटरी में जै, जैसे कि एमरजेंसी के टाइम पे उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी एम्पावर्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू इज़ अ क्रूशल फीचर भी है सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टैब्लिश करता है जुडिशियल रिव्यू अंडर दीज आर्टिकल्स ये आर्टिकल्स को अगर आप अभी यहीं पे रट लेते हैं तो आंसर राइटिंग करते समय जहाँ पे भी जुडिशल रिव्यू आएगा उसके ब्रैकेट में आर्टिकल दो तीन इसमें से आर्टिकल डाल दोगे तो ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स गेन करेगा हु इज कॉल्ड हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ये है जी ऑस्टिन ग्रैनविल ऑस्टिन अच्छा ये जो किस, ये जो जो किस ऊपर वाले बॉक्स में हमने पढ़ा है ना किसने क्या बोला है इसको आप ध्यान रखिएगा नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फिर से रिपीट यहाँ पे बोला है कि क्वाजाइ फेडरल किसने बोला था तो के सी वेयर ने नेक्स्ट है अ कॉन्स्टिट्यूशन हु अंस्टीट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन

इन सब चीज़ों का लिस्ट बना दीजिए कि किसने क्या बोला हुआ है सो दैट फ्यूचर में अगर हमारे पास में फ्यूचर में अगर हमारे पास में इनसे रिपीटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम करेक्ट मार्क कर पाए फिर जो बाकी नाम दिए हैं दैट इज़ ड्वाइट वॉल्डो फिर उसके बाद में फ्रैंक मरीनी एंड एफ डब्ल्यू रिग्स इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एज़ मिथ एंड प्रोवर्ब इसके बाद है इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेज गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो ये था किसी के सी वेयर ने जिन्होंने ये भी बोला था कि इट इज़ अ क्वाजाई फेडरल नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट सेट एज अ टाइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म तो ये बोला था बी आर अम्बेडकर ने जब उन्होंने चीज़, चीज़ों को एक्सप्लेन किया था दैट इट इज इट दैट इट हैड नॉट बीन इन द सेट टाइड मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म एंड इट कंटेन्स बहुत फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्ट्रिस्टिक्स इसमें इन करें क्या है इंडियन पोलिटिकल सिस्टम के बारे में कि वो एक प्रेजिडेंशल सिस्टम है हमने ऊपर भी देखा है इस बारे में विच ऑफ दूपर मतलब लास्ट वाले इलेक्शन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन तो स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम ये तो है ही डेमोक्रेटिक सिस्टम सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन सोली लाइकवाइज किंग तो ये इनकरेक्ट है है ना द गवर्नमेंट फॉर्म बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ये करेक्ट है तो सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज हमको पूछा है कि नॉट अ ट्रू कैरेक्टर इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन नेक्स्ट है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द वन Uh, जो कि इट प्लेसेस इफेक्टिव ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इट इफेक्ट इट प्लेसेस द इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल्स लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी तो देखिए ये देख के ही हमको समझ में आया कि ये इनकरेक्ट है फिर सेकेंड क्या है इट प्लेसिज इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इट एम्पोजेस सर्टन लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लिमिट किस पे प्लेस करता है गवर्नमेंट पे लिमिट प्लेस करता है किसके इंटरेस्ट के लिए पीपल के इंटरेस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज़ इवॉल्व टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिबर्टी फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ गवर्नमेंट तो जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा वहाँ पर ऑटोक्रेसी को चेक मिलेगा एंड डेमोक्रेसी को प्रमोशन मिलेगा ये आप मेन्स में लिखते हैं हम इस चीज को द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिमेन्स प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स लिबर्टी फिर है इन द कंटेक्सट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोसी तो ये है इंडिया के कॉन्टेक्स में हमको बताना है तो एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी रीसेंट का क्वेश्चन है इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर गेटिंग द लेजिस्लेशन टू द पब्लिक थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिज पॉलिसीज लेजिस्लेटर जो लॉ बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट हम ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही करते हैं विच द गवर्नमेंटल एजेंसीज़ इन फ्रॉम टाइम टू टाइम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी बाय ब्यूरोक्रेसी हेल्प्स इन बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ़ दी पोलिटिकल एग्जीक्यटिव इन द आइज़ ऑफ कॉमन पीपल तभी तो जब जब किसी भी इंसान का ब्यूरोसी से विश्वास रहता है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पर विश्वास करता है और अगर ब्यूरोक्रेसी से उसको कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करता है तो जो कॉमन मैन है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो एक्सपीरियंस होता है ना उस लेंस से फिर गवर्नमेंट को जज uh, करती है कि वेदर गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं कर रही है बिकॉज ग्राउंड लेवल पे तो ब्यूरोक्रेट्स को ही काम करना होता है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज द लिमिटेड गवर्नमेंट ये यूपीएससी का सवाल है विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था तो डेट याद रखिएगा नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम ये सब की ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को यहाँ पे कुछ डिटेल है द नेशनल फ्लैग रेक्टेंगुलर शेप है ट्राई कलर्स है रेशियो है थ्री टू टू ठीक है इसके साथ साथ में अडॉप्ट कब हुआ था ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन डेट आप याद रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच वन इज और आर कॉमन टू इंडिया एंड यू एस ए तो इसमें कॉमन क्या है तो रेसिड्यूरी पावर इज वेस्टेड विद द सेंटर तो ये तो इंडिया के में है बट ये यूएसए के में नहीं है रेसिडरी पावर इज़ वेस्टेड इन द स्टेट तो वेस्टड इन द स्टेट जो है ये हमारा इंडिया में नहीं है uh, क्योंकि इंडिया में ये दो, दोनों कॉमन नहीं है बिल्कुल वाइसा वर्सा वाला सीन है बिकॉज यहाँ पे हमको इंडिया और यू एस के सिस्टम को कंपेयर करना है प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पॉकेट वीटो यस ये दोनों जो है ये इंडिया और यू एस ए दोनों के में है दी अपर हाउस हैज़ समिनेटेड मेम्बर्स तो आई गेस यू एस ए में नॉमिनेटेड मेम्बर्स नहीं हैं तो ये बॉक्स की बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है पॉकेट वीटो इज एन इनडायरेक्ट वीटो ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल बाय एन एग्जीक्यूटिव थ्रू रिटेंशन ऑफ द बिल अनसाइंड अंटिल आफ्टर द एडजॉर्मेंट ऑफ द लेजिस्लेचर उसको बिना कुछ साइन किए बस पॉकेट में डाल के रख देंगे उसमें ना ही हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे अगर हमको कोई बिल पसंद नहीं आ रहा है ये पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में एज वेल well एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यू के पास में द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बॉन्ड टू रिटर्न द बिल विद इन टेन डेज इफ ही